वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी के समय हमारे बॉडीज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है और वो किस तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट मीन्स इट इज़ द प्रोग्रेसिव एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस, जो कि सिर्फ हमारे जेनेटल ऑर्गन्स को ही नहीं, साथ ही साथ हमारे ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल रहता है इस चेंजेस का, वो मेन रहता है मैटरनल एडाप्टेशन, और साथ ही साथ फीटस के जो इंक्रीजिंग डिमांड रहता है वो हमारी बॉडी के थ्रू फुलफिल हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटल ऑर्गन में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। वन बाय वन हम रीड करेंगे। फर्स्ट है वल्वा। वल्वा एडिमेटस हो जाता है, मोर वेस्कुलर रहता है, वेरिकोसिटीज देखने को मिलती है इसमें। और खासकर जो ये वेरिकोसिटीज रहती है, ये मल्टीपारस जो वुमेन्स रहती है, इट मीन जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेबिया मेनोरा पिगमेंटेड हो जाते हैं और हाइपरट्रॉफिट हो जाते हैं, इट मीन्स इंक्रीज इन साइज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेजाइना। तो वेजाइनल जो वॉल रहते हैं वो हाइपरट्रॉफिक देखने को मिलते हैं, एडिमेटस रहते हैं, और साथ ही साथ मोर वेस्कुलर देखने को मिलते हैं। और जो वेजाइनल वॉल म्यूकोसा रहती है, इसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, जिसे हम जेपमियर साइन कहते हैं। साथ ही साथ जो वेजाइना का सिक्रीशन रहता है, ये एसिटिक रहता है, और वाइट कर्डी लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीशन देखने को मिलता है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्रस। यूट्रस की अगर हम बात करें तो एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वेट होता है वो 60 ग्राम होता है, और लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन एक टर्म प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 900 to 1000 ग्राम के अप्रॉक्सीमेट होता है, और साथ ही साथ जो मेजरमेंट होती है लेंथ की, वो 35 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर हम चेंजेस इन द मसल्स देखने की बात करें तो मसल्स में चेंजेस देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, और साथ ही साथ स्ट्रेचनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी फाइबर्स रहते हैं, जैसे जैसे जो यूट्रस है उसका साइज इनलार्ज होता जाता है, तो फाइबर्स और मसल्स जो टिश्यूज होते हैं उसमें स्ट्रेचनिंग ईजली देखने को मिलता है। देन हम वेट की बात करें तो वेट में इंक्रीजमेंट मैंने आपको बताया 60 ग्राम से लेकर 1 kg तक का जो इंक्रीजमेंट है वो देखने को मिलता है। ये किस वजह से देखने को मिलता है? क्योंकि जो यूट्राइन मसल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो इसका शेप होता है वो भी फ्रिक्वेंटली चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ये 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ग्लोबुलर इन शेप हो जाता है, और धीरे धीरे ये इनलार्ज होता है, ठीक है, और स्फेरिकल शेप में 36 वीक में ये हमको देखने को मिलता है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो एक नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस रहता है वो एक एंटीवर्टेड पोजीशन में देखने को मिलता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट यूट्रस रहता है, जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होता जाता है तो वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन देखने को मिलती है। देन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है इसके मसल्स में, एक पेनलेस इनफ्रिक्वेंट स्पास्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ये इरेगुलर इन नेचर रहते हैं, इसे हम ब्रैक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एंडोमेट्रियम जो लेयर रहता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में, ये हर मंथ चेंज होता जाता है, ये जो म्यूकस लेयर रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये थिक रहता है, ताकि यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आके इजिली इम्प्लांट हो सके, और फर्टिलाइजेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद, ये एज अ डेसीडुअल जाना जाता है। स्थमस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सॉफ्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ इसके जो स्फिनेक्टर मसल्स रहते हैं, ये अर्ली प्रेगनेंसी में फीटस को यूट्राइन कैविटी में रिटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये स्फिनेक्टर मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करते तो ये एबॉर्शन को भी कॉज करते हैं, जिससे प्रिवेंशन के लिए इन सर्कुलेज ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें एट द टाइम ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी जो स्थमस होता है उसको स्टीच कर दिया जाता है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड फीटस है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो ड्रॉप आउट ना हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विक्स।
सर्विक्स में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है और साथ ही साथ हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है। और सर्विक्स में जो म्यूकस होते हैं वो एक्यूमुलेट होकर एक प्लग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम म्यूकस प्लग कहते हैं, जो कि फर्टिलाइज्ड एग को रिटेन करने में हेल्प करता है और उसे पास आउट होने नहीं देता है। और यही म्यूकस प्लग जो होता है द टाइम ऑफ डिलीवरी सर्वाइकल डायलिटेशन के समय डिस्चार्ज होता है विद द कंटेनिंग ऑफ ब्लड जिसे हम सो कहते हैं। साथ ही साथ सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलता है, इसमें लिप्स के जैसे सॉफ्टनेस देखने को मिलती है सर्विक्स में जिसे हम गुडल साइन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब फ्लैटेंट देखने को मिलता है, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर में उतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता हमें। नेक्स्ट होता है ओवरी। ओवरी जो है उसके जो फंक्शंस रहते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोन्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। जो हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स होते हैं वो ओवरियन साइकिल और नॉर्मल जो मेस्चुरल पीरियड मेस्चुरेशन ऑफ ओवम ये सबको सस्पेंड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर ऑर्गन्स। अदर ऑर्गन्स चेंजेस में हम देखेंगे फर्स्टली ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के साइज में हमें चेंजेस देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, इंक्रीज इन साइज रहता है। साथ ही साथ निप्पल और एरियोला में हमें चेंजेस देखने को मिलता है। जो निप्पल होते हैं वो मोर इरेक्टाइल हो जाते हैं और डीपली पिगमेंटेड देखने को मिलते हैं। और जो एरियोलाज रीजन होता है वो भी उसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उसमें जो सीबेसियस ग्लैंड रहते हैं जो कि नॉन प्रोमिनेंट स्टेज में रहते हैं, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, वो क्या होते हैं प्रोमिनेंट हो जाते हैं जिसे हम मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो एरियोला होता है उसके चारों ओर एक और लाइट पिगमेंटेड एरिया हमें देखने को मिलता है जिसे हम सेकेंडरी एरियोला के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सिक्रीशन के बारे में ब्रेस्ट के, तो एट द टाइम ऑफ 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक स्टिकी डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है ब्रेस्ट से। और 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में थिक और येलोइज डिस्चार्ज देखने को मिलता है, इसी को हम कोलेस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूटनेस चेंजेस। इट मीन्स कि किस तरीके के से कलर चेंजेस हमें बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। तो फर्स्टली फेस, फेस में हमें फोरहेड में, नोज में एंड चिक एरिया में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर लाइक पिगमेंटेशन, ब्लैकिश पिगमेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है जिसे हम कोलेज्मा या फिर प्रेगनेंसी मास के नाम से भी जानते हैं। ब्रेस्ट में भी चेंजेस देखने को मिलता है जो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। देन एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमें लीनिया नाइग्रा देखने को मिलता है, स्ट्राई ग्रेविडम देखने को मिलता है। जो स्ट्राई ग्रेविडम होते हैं उसे हम स्ट्रेच मार्क्स के भी नाम से जानते हैं। जो यूट्राइन मसल्स होते हैं, फाइब्रस जो टिश्यूज होते हैं उसमें स्ट्रेचनिंग देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमें वाइट कलर के मार्क्स देखने को मिल सकते हैं जिसे हम स्ट्राई ग्रेविडम बोलते हैं। देन बात करते हैं हम लीनिया नाइग्रा की, तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से हमारे अम्ब्लाइकस को क्रॉस करते हुए जिफॉइड प्रोसेस से लेकर सिंफेसिस प्यूबिस तक एक पिगमेंटेड ब्लैक लाइन देखने को मिल सकती है जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में हमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो ब्लड वॉल्यूम्स होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये इंक्रीज हो जाते हैं 30-40 to 50%। जो प्लाज्मा वॉल्यूम रहेंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम भी 50% अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज देखने को मिलता है। जो टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम होता है वो 1.25 लीटर इंक्रीज हो जाता है। आरबीसीएस एंड हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो आरबीसीएस जो मास होता है वो भी 20-30% इंक्रीज देखने को मिलता है। साथ ही साथ ल्यूकोसाइट और इम्यून सिस्टम होते हैं उनमें भी हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल से 180 ग्राम से लेकर 230 ग्राम तक वो इंक्रीज हो जाते हैं। जो ब्लड कॉगुलेशन फैक्टर्स रहते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। फाइब्रोजन लेवल जो होता है हमारी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फर्स्टली एनाटॉमिकल चेंजेस देखते हैं। तो जब
एब्डोमिन इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमिन, इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस हमें देखने को मिलता है, तो इससे जो डायफ्राम होते हैं वो एलिवेटेड हो जाते हैं और साथ ही साथ ही हार्ट को भी ऊपर की तरफ अपवर्ड पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ग्रोइंग फीटस और यूट्रस दोनों के लिए ही नीड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द इंक्रीजमेंट इन द मेटाबॉलिज्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टेमिक चेंजेस की, तो फर्स्ट देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस की वजह से एट द लास्ट मंथ क्या होगा कि एलिवेशन ऑफ द डायफ्राम होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। लेकिन लास्ट मंथ में इंगेजमेंट होने की वजह से डिसेंट ऑफ द यूट्राइन कैविटी हमें देखने की वजह से हमें रेस्पिरेटरी रिलीफ देखने को मिल सकता है, जिसे हम लाइटनिंग भी कहेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरी ऑर्गन्स की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में किडनी किडनी में क्या होता है, इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, जिसकी लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है GFR, उसमें 50% इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। यूरेटर में जो डायलिटेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ब्लैडर में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, और उसके जो मसल्स होते हैं, जो इलास्टिक टिश्यूज और वॉल्स होते हैं, उसमें हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो एनलार्ज यूट्राइन कैविटी होता है वो ब्लैडर को क्या करता है, पुश करता है, उस पर जो अपना वेट है वो पुट डाउन करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैचुरेशन हमें देखने को मिल सकती है। देन लीवर एंड गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो उसके फंक्शंस रहते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। देन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में टेम्परमेंटल चेंजेस देखने को मिल सकता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और प्रिपेरियम में। नोजिया, वोमिटिंग, मेंटल इरिटेबिलिटी, स्लीप डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है तो पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन, ये सब भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट गेनिंग की, तो टोटल एट द टाइम ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 11 kg जो होता है वो इंक्रीज होता है वेट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5-5 kg जो वेट होता है वुमेन्स का वो गेन होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11 kg जो वेट होगा वो गेन होता है। जो वेट गेन होता है उसमें रिप्रोडक्टिव जो वेट गेन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 kg होता है, और नेट मैटरनल वेट गेन जो होता है वो 6 kg होता है, जिसमें अगर हम फीटस की बात करें तो 3.3 kg, प्लेसेंटा 0.6 kg, और जो अदर एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं वो 0.8 kg रहता है। यूट्रस का जो वेट इंक्रीज होता है 0.9 kg रहता है। ब्रेस्ट का वेट इंक्रीज 0.4 kg रहता है, और अदर फैट्स एंड प्रोटीन्स जो एक्यूमलेट होते हैं उनका वेट 3.5 kg होता है। अगर हम मेटरनल वेट गेन की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसमें 1.3 kg वेट इंक्रीज होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूड इंक्रीज होते हैं हमारी बॉडी में वो 1.2 kg इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड स्केलेटन सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में। अगर हम एवरेज बात करें तो 1 to 1.5 ग्राम टोटल कैल्शियम लेवल की नीड होती है। साथ ही साथ अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो स्पाइनल बोन होती है उसमें हल्का सा कर्वेचर देखने को मिलता है। ये इसलिए क्योंकि जो हैवी इनलार्ज यूट्राइन कैविटी होती है उसको जो हमारा बॉडी है वो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हल्का सा कर्व देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मली किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में हम देख सकते हैं। फिजिकल जो अपेयरेंस होता है वुमेन का वो चेंज हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप पर किस टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।